पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना सबका साथ सबका विकास को ईद के मौके पर मुरादाबाद में उस समय पलीता लग गया जब ईदगाह पर पढ़ी गई नमाज के मौके पर भाजपा ने पूरी तरह से किनारा कर लिया, जबकि मुरादाबाद के मेयर भी नदारद रहे। देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भले ही देश भर के प्रदेशों में अपना परचम फहराकर सबका साथ सबका विकास की दुहाई क्यों न दे रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में इसका बिल्कुल उल्टा ही घटनाक्रम सामने आया है, जिसने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की सोच पर सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल ये वाक्या ईद के समय सामने आया। ईदगाह गेट के ठीक सामने नगर निगम द्वारा एक पंडाल लगाया गया था, जहां पर सभी पार्टियों के प्रतिनिधि विराजमान थे और नमाज के बाद वहां पर एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया। लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दे रहे थे, लेकिन इतने बड़े आयोजन से देश की सर्वोच्च पार्टी भाजपा के विधायक रितेश गुप्ता और मेयर विनोद अग्रवाल, MLC डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, मंत्री भूपेंद्र चौधरी नजारा थे और न ही उनका कोई भी प्रतिनिधि वहां दिखाई दिया। भाजपा की इस दूरी पर बोलते हुए सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी पहले तो नो कमेंट कहकर बचने का प्रयास करने लगे, लेकिन फिर भाजपा पर जमकर भड़ास निकालते हुए बोले कि वो लोग तो होली दीपावली सब त्योहार सबके साथ मिलकर मनाते हैं, लेकिन आज भाजपा के लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि उनकी लगातार हार हो रही है, उन्हें उसी का सदमा है, वो लोग यहाँ अपना मुंह कैसे दिखाते। इसपे नो कमेंट्स, इसपे नो कमेंट्स। देखिए जिस तरह से उन्हें हार पे हार का मुंह देखना पड़ रहा है, तो वो तो स्वाभाविक है कि वो यहाँ जनता के सामने क्या चेहरा लेकर आएगा। ये राजनीति हार का सदमा है उन्हें, मैं पीछे से खेलो और हम ईद भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, बकरीद भी मनाते हैं, हमारे सारे त्योहार हमारे हैं और हम सब एक हैं और अब देश की जनता इसका जवाब देगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।